दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर जो विधानसभा क्षेत्र हैं 90 विधायक बनने हैं। चुनाव की दस्तक लगभग अब सुनाई देने लगी है, चुनाव की आहट बहुत नज़दीक से सुनाई देने लगी है। और हरियाणा की 90 सदस्य विधानसभा, भले ही हरियाणा को छोटा राज्य आका जाए, भले ही यहाँ 90 विधायक हों, लेकिन हरियाणा महत्वपूर्ण बहुत है। देश की राजधानी को तीनों तरफ से कवर करने वाला हरियाणा, देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली को तीन तरफ से कवर करने वाला, तीन तरफ से घेरने वाला हरियाणा कितना महत्वपूर्ण है, आप इसे कुछ यूं समझ सकते हैं कि जो अगले 90 दिन के अंदर यानी कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव तो महाराष्ट्र में भी होना है, चुनाव झारखंड में भी होना है, लेकिन हरियाणा पर पूरे देश की निगाहें रहेंगी। हरियाणा जहां पर कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए 10 साल का सूखा है। जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है कि 10 साल वाले शासन को अगले 5 साल कैसे लाया जाए, तो कांग्रेस के लिए चुनौती ये है कि किस प्रकार से राजनीतिक सूखे को खत्म कर हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सत्ता काबिज हो। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, और लोकसभा चुनाव ने अगर मैं ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को फील गुड करा दिया, दोनों पार्टियों को 5-5 सीटें मिल गई, यानी कि 5 सीट जो 10 सीट पिछली बार 10 लोकसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे उनमें से वो 5 बचाने में कामयाब हो गई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जिसका 2014 में केवल 1 और 2019 में 0 सांसद था, एक भी नहीं था, तो कांग्रेस भी 5 सांसद कमाने में पाने में कामयाब हो गई। और मान लें कि उसके बाद से कांग्रेस भी दमादम है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि आसानी से तो हाथ से जाने नहीं देंगे। चुनाव के अंदर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, इलाका समीकरण, ये सब तय करना कि कहां पर क्या माहौल है, और इसी को देखते हुए राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी तय करते हैं। और जब चुनाव आता है, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, तो कांग्रेस के लिए जहां 10 साल का सूखा खत्म करना है, ऐसे में कैंडिडेट्स का जो चयन होता है, प्रत्याशियों का चयन होता है, वो बहुत सोच समझ कर होता है। और अगर आप मान लें तो दोनों राजनीतिक दलों के अंदर ये बात चल भी पड़ी है कि अगर किसी कैंडिडेट के बारे में, किसी कैंडिडेट की एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, उनकी रिपोर्ट ठीक ना हो, तो तुरंत प्रभाव से उनका टिकट काट करके नए चेहरे ले आए जाएं। और कुछ इसी पर चर्चा चलेंगी अगले आने वाले दिनों में, और हम भी आपसे इसी पर चर्चा में रहेंगे कि कौन सी पार्टी क्या कर सकती है। अगर शुरू करें तो हरियाणा के पंचकुला जिले से आज मैं आपसे शुरू करूंगा कि कौन से जिले में क्या होगा, और पंचकुला से चलते हुए आपसे ला करके इसको नूह मेवात तक हम आपसे हर जिले का यानी कि 22 के 22 जिलों की आपसे चर्चा किया करेंगे। मैं आपसे चर्चा में हूं इस वीडियो के अंदर पंचकुला जिले को लेकर के। पंचकुला जिला जिसमें कि 2 विधानसभा की सीटें हैं, अंबाला लोकसभा के अंदर आता है पंचकुला, और इस चुनाव के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके अंदर अंबाला की लोकसभा सीट तो भारतीय जनता पार्टी हार गई। भारतीय जनता पार्टी की बंतो कटारिया को वरुण मुलाना ने चुनाव तो हरा दिया, लेकिन बंतो कटारिया पंचकुला जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई। वो पंचकुला से भी जीती और वो कालका से भी जीती। अब बात ये चल पड़ती है कि जो लोकसभा का चुनाव था वो तो मोदी के नाम पर था, लोकसभा चुनाव के लिए तो अपने मुद्दे थे, लेकिन भले ही हरियाणा के अंदर इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे रहे हों, लेकिन फिर भी कहा यह जाता है कि लोकसभा चुनाव जो है वो देश के मुद्दों पर, सेंटर के मुद्दों पर होता है। और हरियाणा में आपसे जो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए चुनौती है कि किस प्रकार से वापसी सत्ता में लाया जाए, तो उसके लिए वो तमाम प्लानिंग चल रही है। और ये निश्चित आप मान करके चलें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में अपने चेहरे बदले थे, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक तौर पर बड़ा फेरबदल किया, सरकार में फेरबदल किया, इवन मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। अब अगर देखें तो अब हाल ही में प्रदेश के प्रभारी को बदल करके सतीश पूनिया प्रभारी लगाए गए, यानी कि पूरी प्रकार तरह से ऑपरेशनल मूड में है भारतीय जनता पार्टी। और मैं आपसे बात करूंगा कि पंचकुला के अंदर क्या बीजेपी इसी प्रकार से कोई बड़े परिवर्तन कर सकती है। आपको बताऊं तो पंचकुला जिले की जो 2 विधानसभा सीटें हैं,
पहली पंचकुला जिसके अंदर लगातार दूसरी बार ज्ञानचंद गुप्ता विधायक हैं। 2014 में भी ज्ञानचंद गुप्ता चुनाव जीते थे और 2019 में भी ज्ञानचंद गुप्ता चुनाव जीत गए। और दूसरी जो कालका की विधानसभा सीट है, कालका विधानसभा सीट पे 2014 में चुनाव जीती थी लतिका शर्मा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने लतिका शर्मा को टिकट दिया लेकिन लतिका शर्मा उसमें चुनाव हार गई और चुनाव जीते कांग्रेस के प्रदीप चौधरी। अब आपको बता दें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पंचकुला और कालका दोनों विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में बीजेपी आगे रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि विधानसभा में भी ऐसा होगा। और इसी को सोच करके बीजेपी गहन मंथन के दौर में है। मैं आपसे बात कर लूं पंचकुला की, तो पंचकुला विधानसभा के जो विधायक हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जो मैंने आपको बताया लगातार दूसरी बार विधायक बने, विधायक बनने के बाद वो अब की बार यानी कि 2014 से 19 तो खाली थे लेकिन इस बार वो विधानसभा के स्पीकर हुए। विधानसभा अध्यक्ष का उन्होंने दायित्व संभाला, लगातार 5 साल से वो विधानसभा अध्यक्ष चले आ रहे हैं, जो 3 महीने बच गए बाकी इसको अगर छोड़ दें। अब अगर बात आती है तो क्या अगला चेहरा भी पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी का ज्ञानचंद गुप्ता होगा, तो इस पर बड़ा गंभीर मंथन का दौर है। अधिकांश लोगों का ये मानना है जो राजनीति में रुचि रखते हैं वो ये कहते हैं कि ज्ञानचंद गुप्ता के चेहरे पर 2024 में भारतीय जनता पार्टी शायद ही उतरे। एक रीजन तो बड़ा ये कि 10 साल कैंटीन कंपेंसी को भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि प्रदेश सरकार की भी और विधायक की भी, इन दोनों को साथ लेकर चलना नहीं चाहेगी। और दूसरा अगर देखें तो दूसरा कारण आप ये माने कि जो ज्ञानचंद गुप्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक एज फैक्टर है, माना गया है कि 75-77 पर रिटायरमेंट दे दी जाए, तो फिर उस वाले पैमाने पर भी ज्ञानचंद गुप्ता की टिकट पर कैंची चल सकती है। अब अगर अगली बात आपसे मैं करूं तो ज्ञानचंद गुप्ता के लिए तीसरी बात एक और भी दोस्तों हो सकती है, जो मैंने आपको बताया कि एक तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी और दूसरा उनका उम्र का दौर, और तीसरी बात यह कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर पंचकुला क्षेत्र में कई नए चेहरे अपनी जमीन तलाश रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए पंचकुला से कई चेहरे मैदान में हैं, कई चेहरे इस तलाश में हैं कि उनकी जमीन बने। और दूसरी बात एक और साथ साथ और जोड़ दें कि पंचकुला जो अंबाला लोकसभा का हिस्सा है वो अगर ये कहें तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश ये दोनों से साथ जुड़ता है। लोकसभा चुनाव में तो भले ही हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने प्रदर्शन ठीक कर लिया लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इन दोनों का असर भी हरियाणा पर निश्चित रूप से पड़ेगा और इस सब को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई जोखिम लेना नहीं चाहेगी। इसलिए मैंने आपको बताया कि राजनीतिक सूत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में ये गंभीर मंथन है कि पंचकुला से भारतीय जनता पार्टी ज्ञानचंद गुप्ता का टिकट काट सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ज्ञानचंद गुप्ता को रिप्लेस करती है तो उनके स्थान पर नाम तो कई हैं लेकिन 3 नाम ऐसे हैं जो गंभीर मंथन में हैं। अगर उनमें आप देखें तो रंजीता मेहता का नाम आता है, अगर दूसरा नाम उसमें देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं दीपक शर्मा, उनका नाम भी चलता है, और अगर तीसरा नाम कहें तो उसके अंदर मेयर है कुलभूषण गुप्ता, उनका नाम भी चलता है कि वो भी चेहरे हो सकते हैं पंचकुला की विधानसभा सीट के लिए। रंजीता मेहता को अगर देखें तो रंजीता मेहता भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय राजनीति में पूरी तरह से जुटी हुई हैं और इसके साथ साथ वो चाइल्ड वेलफेयर की प्रदेश की चेयरमैन भी रही हैं। दीपक शर्मा मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और वो भी पूरी तरह सक्रिय हैं, और जो तीसरा नाम बताया आपको जो कुलभूषण का, वो मेयर हैं, और जो स्थानीय निकाय का चुनाव जीतता है उस पर एक सेहरा बड़ा बन जाता है क्योंकि लोकल मुद्दों पर चुनाव जीतने वाले की पकड़ विधानसभा में भी बन जाती है। इसके साथ साथ ये भी जोड़ दें कि कुलभूषण गोयल विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं एक बार पहले, इस लिहाज से कुलभूषण का भी और दीपक शर्मा का भी और रंजीता मेहता, ये तीनों गंभीर दावेदार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकते हैं। और अगर पंचकुला की बात करें तो फिर कांग्रेस से यहाँ से विधायक रहे हैं चंद्रमोहन बिश्नोई, कई बार चौधरी भजन लाल के बेटे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन चंद्रमोहन बिश्नोई के साथ एक इस प्रकार का
मसला जुड़ गया जिसकी वजह से वो राजनीति में कुछ समय पिछड़ गए। लेकिन पिछले दिनों से जिस प्रकार से चंद्रमोहन सक्रिय हैं, कुमारी शैलजा गुट से हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनका विरोध नहीं करेंगे, माना जाता है कि चंद्रमोहन यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी अब की बार तय हो सकते हैं, क्योंकि चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत के रूप में कांग्रेस के पास जो है तो वो भी चंद्रमोहन ही है। हिसार लोकसभा के लिए चंद्रमोहन का नाम भी चला था। इन सबको देखते हुए माना जा सकता है कि चंद्रमोहन बिश्नोई पंचकुला से कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकते हैं और चंद्रमोहन बीजेपी को मजबूत चुनौती दे सकते हैं। अब अगर अगली बात करें विधानसभा की, जो अगली विधानसभा है वो कालका। कालका से जो वर्तमान के विधायक हैं वो प्रदीप चौधरी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ करते थे और इंडियन नेशनल लोकदल से भी विधायक बने थे। एक बार 2014 के चुनाव में वो इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर ही लड़े थे, लेकिन उस चुनाव को वो हार गए थे। 2019 के चुनाव से पहले जो इंडियन नेशनल लोकदल में विघटन हुआ, जो परिवार दो हिस्सों में बटा, उसके बाद प्रदीप चौधरी इनेलो छोड़कर आ गए कांग्रेस में। कांग्रेस ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया, चुनाव जीत गए, विधायक बन गए। जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनको अच्छे से ध्यान होगा कि बीच में एक मसला ऐसा बना जिसमें कि प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता पर खतरा बन गया। हालांकि ज्ञानचंद गुप्ता जी ने, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो सस्पेंड कर दिया, उनकी सदस्यता रद्द भी कर दी। हिमाचल प्रदेश की एक अदालत से फैसला आया था जिसके अंदर प्रदीप चौधरी को सजा हो गई थी और जिसके बाद में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने तुरंत प्रभाव से उनकी सदस्यता रद्द कर दी। बाद में हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट ने उस सजा पर स्टे लगा दिया और प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाल हो गई। लतिका शर्मा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की दावेदार हैं। 2014 में भी चुनाव लड़ी थी, विधायक बन गई थी, जीत गई थी। 2019 में चुनाव वो हार गई। लेकिन अगर कहें तो लतिका शर्मा इस समय भी वहाँ पर पूरी तरह सक्रिय हैं। लतिका शर्मा इस समय भी वहाँ पर पूरी सक्रियता से काम कर रही हैं। अगर कालका विधानसभा की बात करें तो संभवतः लतिका शर्मा ही एक बार फिर अगला बार चेहरा हो सकती है भारतीय जनता पार्टी का, और एक बार फिर मुकाबला हो सकता है आमने सामने का लतिका शर्मा और प्रदीप चौधरी का। क्योंकि जब प्रदीप चौधरी इनेलो में थे तब भी लतिका शर्मा से मुकाबला हुआ, चुनाव हारे। जब कांग्रेस में आए तो भी मुकाबला लतिका शर्मा से हुआ, चुनाव जीते, और अब तीसरी बार एक बार फिर आमने सामने हो सकते हैं। तो ये पंचकुला जिले की दो विधानसभा सीटें जिन पर मैंने आपको बताया कि पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बदल सकती है, ज्ञानचंद गुप्ता का टिकट कट के उनके स्थान पर कोई और नया फेस, नया चेहरा दिख सकता है। और अगर बात करें कांग्रेस की तो यहाँ से कांग्रेस के चंद्रमोहन बिश्नोई लगभग तय माने जा सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें कालका विधानसभा सीट की, तो कालका में लतिका शर्मा बीजेपी से और कांग्रेस से जो वर्तमान के विधायक हैं प्रदीप चौधरी, ये एक बार फिर आमने सामने हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी अपने सीनियर नेता ज्ञानचंद गुप्ता को टिकट काट सकती है? आपको क्या लगता है कि क्या एक बार चंद्रमोहन बिश्नोई का फिर से कोई जलवा बन सकता है पंचकुला विधानसभा में? और आपको क्या लगता है कि अब की बार जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव होंगे, जो पंचकुला में एक एक सीट मिली थी कांग्रेस बीजेपी को, अगले चुनाव में यानी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है? आज मैंने आपसे बात की पंचकुला की, अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे किसी दूसरे जिले की। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।